टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा में आज टीएमसी कर्मचारियों को एनसीपी के कलवा मुंब्रा विधानसभा अध्यक्ष शमीम खान ने ईद का तोहफा दिया है। साथ ही एमएम वली स्थित टीएमसी हॉस्पिटल में प्रसूति गृह यानी कि जो महिलाओं की डिलीवरी हुई है उन सभी लोगों को ईद का तोहफा शमीम खान की तरफ से दिया गया है। इस मौके पर शमीम खान ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा है सुनिए। आज हम लोग यहाँ पे इसलिए खास करके आए थे कि उनको रमज़ान का महीना चल रहा है, पाक महीना चल रहा है, रमज़ान मुबारक महीने के अंदर आज हम लोगों ने उनके लिए कुछ तोहफा बनाया था। ये वो लोग हैं डॉक्टर साहब जो आपके साथ, डॉक्टर शारमिन डिंगा के साथ, जिन लोगों ने कोविड के वक्त बहुत ही कुर्बानियां दिया है उसे देखते हुए ये मुझे मेरे भाई डॉक्टर शाह साहब ने, इन्होंने कहा कि शमीम भाई अपने को सबसे पहले तोहफा तो हम पूरे राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के परिवार को देते हैं, मंत्री जी की जानिब से पहुँचता है, हम लोग पहुँचाते हैं। लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि शमीम भाई पत्रकार भाइयों को पहुँचाते हैं हम लोग, लेकिन डॉक्टर साहब ने कहा कि सबसे पहली थैली और गिफ्ट शमीम भाई टीएमसी के जाना चाहिए हॉस्पिटल को। तो डॉक्टर साहब की मैं सोच को सलाम करता हूँ कि उन्होंने ये खिदमत का अंजाम देने के लिए मुझे मौका दिया, मैं उसके लिए डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और इंशाल्लाह ताला अभी कुछ वक्त में आपके सामने उन तमाम जो यहाँ पे 100 अबाउ लोग हैं, चाहे वो नर्सेज हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो स्टाफ हैं, जो भी लोग हैं सफाई विभाग के लोग हैं, सबको हम लोग इंशाल्लाह ताला ईद का तोहफा देंगे। ये तोहफा अल्लाह ताला कबूल फरमाए, नेक नियत से हम लोग दे रहे हैं, कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ये है कि जब बातें हैं तो नमानी साहब कहना पड़ता है जी। और फिर मैं आपके माध्यम से उन तमाम उन साथियों को कहना चाहता हूँ जो अभी भी कभी ना कभी ये बात हुसैन भाई कहा करते हैं इस्लामुद्दीन भाई कि हॉस्पिटल के बारे में, तो मैं उनको रमज़ान महीने के अंदर मैं उन्हें हाथ जोड़ करके उनसे अपील करता हूँ कि प्लीज़ देखिए, आप अपोजिशन हैं, आप बात कर सकते हैं, मैं उसके लिए आपको रोक नहीं सकता, ना रोकने का मेरा अधिकार है नवानी साहब, लेकिन ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि इतना खूबसूरत हॉस्पिटल जिसे हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब ने, थाने महानगर पालिका के कमिश्नर साहब ने और हमारे नगर सेवकों ने खास करके जो इसको दिया है, इसकी बुराई मत करो और इसका आप लोग लाभ उठाएँ। मैं अपने मुंब्रा कोसा की आवाम से ये कहना चाहता हूँ कि आप टीएमसी हॉस्पिटल में आकर के इसका पूरा लाभ उठाएं, इसमें कोई कॉस्ट किसी तरीके की नहीं है, नो कॉस्ट है, आके इसका फ़ायदा उठाएं, मैं यही कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। शमीम भाई, हॉस्पिटल शुरू हो गया लेकिन लोगों में चर्चा का विषय अभी भी बना हुआ है कि हॉस्पिटल का उद्घाटन नहीं किया गया। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि उद्घाटन करके ही काम को किया जाए। हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र अवार्ड साहब की सोच ऐसी होती है कि वो काम पर पहले फोकस करते हैं, उद्घाटन पर फोकस तो नहीं करते। हाँ, उद्घाटन पर कुछ लोग फोकस करते होंगे जो झूठा झूठा लेटर दिखाते रहते हैं कि मैंने ये दे दिया, मैंने वो कर दिया, मैंने वहाँ वो कर दिया। ठीक है, वो उनकी अपनी सोच है।